हेलो दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में आज देखते हैं हम वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी वेटन्स बोर्ड सम्मेलन 1944 में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में। इसमें सदस्य हैं, मेंबर हैं 189। ठीक, अब विश्व बैंक के समूह देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, चौथा है बहुपक्षीय निवेश में की गारंटी एजेंसी, और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र। आपको यहाँ याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इन्हें दोनों मिलकर विश्व बैंक कहते हैं। ठीक, अब वर्ल्ड बैंक के उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्यों में शामिल है आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु पूंजी उपलब्ध कराना, सदस्य राष्ट्रों को पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना, और परियोजनाओं के लिए ऋण अथवा ऋण के लिए गारंटी प्रदान करना, इनके इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। आपको बता दें यहाँ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करते समय वर्ल्ड बैंक की सदस्यता स्वतः ही मिल जाती है, यानी कि जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता लेता है तो वो अपने आप ही विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। अब विश्व बैंक के लक्ष्य देख लेते हैं 2020 तक, 2030 तक कौन कौन से। अत्यधिक गरीबी को खत्म करना, वो प्रत्येक देश के नीचे के 40% लोगों की आय में वृद्धि करना, इसके प्रमुख लक्ष्य हैं 2030 तक। अब विश्व बैंक जो रिपोर्ट जारी करता है उन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। पहली है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरी है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तीसरी है ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, चौथी है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, पाँचवीं है वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। याद रखिएगा इसे, ये रिपोर्टें कई बार कई एग्जामों में पूछ ली जाती हैं कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो ये पांच रिपोर्टें विश्व बैंक जारी करता है। तो ये थी विश्व बैंक। ठीक,